भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती नवादा के बक्संडा में मनाई गई। इस मौके पर अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ का बाईमीन वाम जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री महेंद्र प्रसाद ने बताया कि जगदेव प्रसाद शोषित पीड़ित दबे कुचले और वंचितों के प्रणेता थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ का पाइमीन ठवाम शाह जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। कमल कुमार बिंदु और संचालन संजय दांगी ने किया। इस मौके पर अध्यक्ष कमल कुमार बिंदु, झारखंड विधानसभा के पूर्व सचिव महेंद्र प्रसाद दांगी, दांगी रत्न शत्रुघ्न दांगी, जिला परिषद दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक प्रेम कुमार विद्यार्थी, कार्यक्रम के संयोजक डॉ उमेश दांगी, मिशन ऑफिसर प्रोजेक्ट के निदेशक ई रंजित कुमार सिंह, प्रवीण दांगी प्रिंस प्रभात, मनीष दांगी प्रिंस प्रभात, राकेश बिहारी समेत हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, बच्चे के हौसलों को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी छोटी बच्चियां स्वागत गान प्रस्तुत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। तालियों में कोई कमी नहीं करें आप लोग। ताली बजाने से वक्ता लोगों का हौसला बढ़ता है। विनोद मुखिया जी कृपया मंच पे आ जाए। लगभग 1000 लोग सरकारी नौकरी में हैं, लगभग 5000 घर नवादा जिला में हैं, जो हमारे पास डाटा लगभग है। अभी भी अगर औसतन देखें तो 4 घर पे सिर्फ एक नौकरी। अगर आगे बढ़ना है तो आप कैसे बढ़ सकते हैं? ये जी जो घर नौकरी पा लिए उससे पहले की स्थिति देखें और आज की स्थिति देखें, तब पता चलेगा कि उसकी आज की स्थिति कहां पे कहां पहुंच गई। वो शिक्षा ही ऐसा था जो उनको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। क्या यह संभव नहीं है कि आज के जो आने वाले पीढ़ी हैं उन लोग के लिए हम लोग कुछ ध्यान दें तो लगभग प्रत्येक घर पे एक नौकरी पहुंच जाए? क्या यह संभव नहीं है? इस संभव को बनाने के लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा। यह कोई एक आदमी का काम नहीं है कि वह अकेले कर सके। यह हर एक घर की जरूरत है तो वह कैसे आगे बढ़े और उसको रास्ता दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। अगर जिस घर के बच्चे को वह पता नहीं चलता हो कि आगे कैसे बढ़ पाए, क्या करने सामने वाला में ध्यान दिया। और एक बात मैं कहता हूं, मैं 1992 में उपेंद्रनाथ वर्मा इंटर कॉलेज की स्थापना की थी बाके बाजार गया में। मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। इंस्टीट्यूशन सब लोग नौकरी 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 की बात कर रहे थे, एक व्यक्ति भाई जी जो बिजनेसमैन है। आप नौकरी देने वाला कब बनेगा ये पहले तो बता दीजिए। उसको बनाने में कितना वर्ष लगेंगे? अभी हम नौकरी लेने वाला में लगे हुए हैं।
76 वर्ष आजादी के हो गए, अभी हम नौकरी लेने वाला में हैं। नौकरी देने वाला बनिए, नौकरी देने वाला, तब समाज के विकास की बात कीजिए कि मैंने विकास किया। हम लोग क्या कर रहे हैं, 1967 में भी हम मास्टर बन रहे थे, 1977 में भी मास्टर बन रहे थे, एएनएम बन रहे थे, जीएनएम बन रहे थे, और 2023-24 में भी हम मास्टर बन रहे हैं। ये खराब बात है। हाँ, इनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कौन कर रहे हैं, जो 1967 में मास्टर बन गए, जो 1977 में मास्टर बन गए, उनको अपने बेटे को अफसर बनाना चाहिए। त्याग तपस्या करके उनको अफसर बनाना चाहिए था, लेकिन वह भी अभी अपने बेटों को मास्टर बना रहे हैं। यही पर समाज मार खा रहा है, एन केन मास्टर एमएम। अरे भाई, आप मदद कहां दीजिएगा समाज को, आप मास्टर बन जाइएगा, आप अपना रोजगार कहेंगे क्षेत्र में बता देता हूं। ये स्थितियां हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। पहले तो आप 36% की बात कीजिए, उसके साथ जुड़िए, उसके सुख दुख में उसके साथ बैठिए। इक्ष्वाकु वंश से ये शुरू होता है। इक्ष्वाकु वंश के तीन पुत्र थे और तीन पुत्र में सबसे बड़े विकुक्षी थे और जो उन्होंने अपना राज्य अयोध्या का दिया। दूसरा उनका लड़का निमि था, जो अपने लड़का मिथि के नाम पर मिथिलापुरी बसाया और मिथिलापुरी में जानते हैं जानकी वहीं की थी और वहाँ वंशज जहाँ है वहीं। तीसरा जो वंश था, जो बहुत प्रतापी, बहुत तेज, बहुत सुंदर था, वो था राजा दंड। यहाँ हम हैं, यहाँ आप लोग आप सभी हैं, जितने एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।